हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टेकर का हाइड्रोलिक कनेक्शन के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बताएंगे आपको, हाइड्रोलिक पाइप का कनेक्शन नहीं, वो अलग किसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों आज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमने एक वीडियो में आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि फोकलिफ्ट का हाइड्रोलिक का कनेक्शन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे करें, वो आपने सही से समझ लिया है। तो फिर हम वो इस वीडियो में हम लोग अलग से स्टेकर का हाइड्रोलिक कनेक्शन करेंगे। लगभग देखिए दोस्तों का लगभग लगभग सेम होता है दोनों का कनेक्शन, लेकिन डिफरेंस इसमें यही होता है कि स्टेकर और VOPDs में ये जो होता है कंट्रोल वाल्व होता है वो सोलेनोइड वाल्व होता है, और फोर्कलिफ्टो में जनरली जो मैंने आपको बताया वो आपको स्पूल वाला वाल्व के बारे में बताया जिसमें स्पूल से कंट्रोल होता है। तो सोलेनोइड वाल्व का थोड़ा सा कनेक्शन अलग होता है और स्पूल वाले का थोड़ा सा कनेक्शन अलग होता है, इस हिसाब से हमको इसमें चेंज करना पड़ेगा। उस गाड़ी में यदि फोर्कलिफ्ट में भी यदि सोलेनोइड वाल्व लगा है तो आपको फिर ये स्टिकर वाला कनेक्शन के हिसाब से फोर्कलिफ्ट में आपको वायरिंग हाइड्रोलिक का करना पड़ेगा। तो समझ लीजिएगा कि एक तरह से सोलेनोइड वाल्व वाला फोर्कलिफ्ट है तो उसके लिए भी यही कनेक्शन होगा। दोस्तों अब शुरू करते हैं, फिर वहीं से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा बैटरी, लेकिन बैटरी ये ऐसे बनाना ठीक नहीं है, बैटरी का जो डायग्राम है ऐसे होना चाहिए, समझ रहे हैं? ये बैटरी का डायग्राम है, माइनस ये प्लस, यहां से चला। अब हमारा मोटर यहाँ पे बना देते हैं, एक मोटर बन गया, ये हाइड्रोलिक मोटर हो गया, इसमें दो वायर लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक BDI लगेगा, ये BDI है, ध्यान से याद रखिएगा, BDI मतलब बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेटर, ये हाइड्रोलिक मोटर, ये हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर, ये हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर का कॉइल है, ठीक है, ये हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर कॉइल हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर है। और इसके बाद एक चीज जो होता है, यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ सोलेनोइड वाल्व, ये हो जाएगा सोलेनोइड वाल्व, इसमें भी कॉइल लगा रहता है सोलेनोइड वाल्व में, ठीक है, ऐसा रहता है। और उसके बाद इतना चीज होने के बाद आपको एक मिलेगा पुश बटन, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक पुश बटन रहता है हैंडल में, टिलर हेड में आपको पुश बटन रहता है, दो रहता है, एक दो, दो पुश बटन रहते हैं, ऐसे नहीं बनाता हूँ मैं आपको, ऐसे आपको सिंपल पुश बटन बनाता हूँ, ये एक पुश बटन है, ये एक पुश बटन है, ठीक है, ये दोनों पुश बटन है, एक अप का रहेगा एक डाउन का रहेगा, ये अप हो गया पुश बटन, ये डाउन हो गया पुश बटन, ये पुश बटन है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं बैटरी का पावर कनेक्शन में, पावर कनेक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल सा है, माइनस आपको डायरेक्ट हाइड्रोलिक मोटर में चला जाएगा, ठीक है, प्लस की कहानी है, यहाँ से चलेगा फिर प्लस, फिर यहाँ पे 250 एम्पीयर का फ्यूज लगेगा और ये हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर में जाएगा, 250 एम्पीयर का फ्यूज लगेगा, डिपेंड करता है यदि मोटर हल्का कम पावर का है तो हो सकता है कि वो 150 एम्पीयर का लगे, 160 एम्पीयर का लगे, डिपेंड करता है, ऐसा जरूर नहीं हर जगह 250 का लगा, अभी 160 का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है हाइड्रोलिक मोटर का पावर क्या है। और यहाँ से सीधा कॉन्टैक्टर से इसमें चला जाएगा कंट्रोल का हाइड्रोलिक मोटर में, ठीक है, ये हाइड्रोलिक मोटर में चला गया, पावर वायरिंग हो गया, पावर वायरिंग इसके बाद कुछ नहीं है। अब फिर उसके बाद हमको आपको कम्युनिकेशन वायरिंग को समझना है, ये वाला जो है ना टीलर हैंडल में लगा रहता है, टीलर हैंडल, ये जो चीज है पुश बटन जो है टीलर हैंडल में लगा रहता है, पुश बटन, पुश बटन, ध्यान दीजिएगा टिलर हैंडल में दो पुश बटन लगा रहता है, एक अप के लिए डाउन के लिए, एक दबाएंगे तो आपका मास्ट अप होगा, एक दबाएंगे तो मास्ट डाउन होगा इसके लिए। अब यहाँ पे नंबरिंग कर दो तो BDI में 8 पिन रहता है, यहाँ पे 1, 8, 5, 4, ध्यान दीजिएगा दो तरह की BDI लगी होती है गाड़ियों में, एक होता है आपको 3 पिन यूज करने वाला BDI और एक होता है आपको 6 पिन यूज करने वाला BDI, 3 पिन वाले BDI में 3 पिन कनेक्शन रहेगा, 8 पिन 8 पिन वाले BDI में आपको 6 पिन लगभग यूज किया हुआ रहेगा। तो मैं इस BDI की बात कर रहा हूँ, आपको हो सकता है AC कंट्रोलर लगा है 12-32, 12-34, 12-36, 12-38, इस तरह के कंट्रोलर लगे हैं
तो उसमें ये VDI नहीं लगा होता है, क्योंकि कंट्रोलर ही पूरा बैटरी का जो डेटा है सब कलेक्ट करता है और VDI को देता है। तो उस केस में वो कनेक्शन अलग हो जाएगा, कंट्रोलर के थ्रू हाइड्रोलिक कनेक्शन हो जाता है, तो वो अलग कनेक्शन है। ये ओनली DC कंट्रोलरों के लिए है, जिसमें कि आपको कुछ अलग से कनेक्शन नहीं, या फिर आप गाड़ी किसी को अलग नया कंट्रोलर डाल रहे हैं तो आप ऐसी वायरिंग कर सकते हैं हाइड्रोलिक के लिए, चाहे कोई भी कंट्रोलर लगा हो, समझ रहे हैं। तो ये सिंपल वाला कनेक्शन है, ये कंट्रोलर से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे स्टेकरों में यदि 12-32 कंट्रोलर लगा है तो आपको VDI के थ्रू नहीं होता, कंट्रोलर के थ्रू आपको ये वाला जो कंट्रोल बार हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर का जो कंट्रोलिंग होता है बैटरी सेविंग के लिए, वो आपको कंट्रोलर के थ्रू होता है। तो मैं यहाँ से सिर्फ यही बता रहा हूँ कि ये जो है सिंपल वाला कनेक्शन है, यहाँ पे उठा 10 एम्पियर का फ्यूज लगेगा ग्लास वाला, इसके आगे की स्विच लगेगा, ठीक है। और ये की स्विच वाला जो वायर है वो आपको जाएगा मेरे यहाँ ऊपर, वो आपको 2 और 6 नंबर में जाएगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। ये VDI है, मैं लिख देता हूँ, 4 और 5 में माइनस जाएगा, 4 और 5 में माइनस जाएगा आपको यहाँ पे, 4 और 5 में माइनस चला गया डायरेक्ट बैटरी का, 2 और 6 में प्लस चला गया की स्विच के की स्विच के लगाने के बाद KSI मतलब की स्विच इनपुट होता है, और उसके बाद जो 8 नंबर है वो डायरेक्ट आपको प्लस जाएगा इसमें, ये जो 8 नंबर है बिना की स्विच का ही डायरेक्ट प्लस जाएगा, समझ रहे हैं बात को। ये VDI का कनेक्शन आपको समझना पड़ेगा तो सही होगा, लेकिन VDI नहीं लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो बताया था VDI लगाया इसलिए जाता है सिर्फ कि आपको बैटरी ओवर डिस्चार्ज होने से बचाया जा सके, और इसमें दूसरा केस VDI में होता है क्या है, इसमें आपको बैटरी कितना चार्ज है कितना डिस्चार्ज है वो आपको इंडिकेशन देता है, दो फायदे के लिए VDI लगाया जाता है। मेन पर्पस यही है कि बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होने से बचने के लिए आपको ये VDI लगता है। अब यहाँ पे चला गया, ध्यान दीजिएगा ये माइनस आउटपुट देता है, पिन नंबर 3 जो हाइड्रोलिक कॉन्ट्रैक्टर को जा रहा है, VDI का पिन नंबर 3 हाइड्रोलिक कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा, ये माइनस आउटपुट देता है। हाँ दोस्तों, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, अप और डाउन का पुश बटन को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है ताकि 2 पिन आपको दिखे। तो ये देखिएगा अभी क्या होगा, ये अप और डाउन वाली स्विच में एक प्लस आएगी, प्लस की वायर आएगी कॉमन में, दोनों जो हमने शॉर्ट किया उसमें अप और डाउन वाले स्विच में आएगी, तो की स्विच से निकला और ये वाला वायर यहाँ पे आ रहा है और ये अप और डाउन में लग जाएगा, समझ गए, की स्विच से निकला और ये अप और डाउन कॉमन में लग जाएगा, कॉमन में। दूसरा, ये अप वाले जो स्विच है सिर्फ आपको हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर में जाएगी, ठीक है, और डाउन वाली स्विच है वो सिर्फ आपको कंट्रोल वाल्व के ऊपर एक ही सोलेनोइड कॉइल लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा, स्टेकर BOPT या फिर जिस जो भी इस तरह की वाकीज हैं, स्टेकर BOPT इस टाइप की गाड़ियों को ना वाकी बोला जाता है, जो भी इस तरह की वाकीज हैं उसमें आपको एक ही सोलेनोइड कॉइल लगा रहेगा, यदि सिर्फ अप डाउन वाला फंक्शन उसमें है तो, यदि ज़्यादा कोई फंक्शन है आर्म का फंक्शन है, कुछ टिल्टिंग का फंक्शन है, मे बी किसी एक अरेंजमेंट के लिए दिया हुआ है, तो उस केस में आपको और भी सोलेनोइड दिखेंगे, लेकिन ये सिंपल यदि सिर्फ अप और डाउन करने वाला कंडीशन उसमें है तो आपको एक ही सोलेनोइड कॉइल दिखेगा। तो उस केस में ये जो एक सोलेनोइड कॉइल है ये सिर्फ डाउन करने के लिए होता है, समझे, ओनली डाउन करने के लिए सोलेनोइड कॉइल होता है, अप करने के लिए सोलेनोइड कॉइल की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा क्यों नहीं है। तो ये जो डाउन करने वाला जो पुश बटन है इसका कनेक्शन सीधा आपको सोलेनोइड कॉइल में चला जाएगा, और ये जो है प्लस जाएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस जाएगा, बाकी जो माइनस है वो डायरेक्ट आपको यहाँ से चला जाएगा, ये जो माइनस कॉमन लिए है ना यहाँ से चला जाएगा। बताएगा इसमें फ्यूज क्यों नहीं लगा, इसमें माइनस में फ्यूज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ प्लस में ये 10 एम्पियर का जो फ्यूज लगा है ना इसी से काम चल जाएगा, इसको शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, बस इतना सही बात है। अब हम बताते हैं कि ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा, अप के लिए सोलेनोइड कॉइल क्यों नहीं लगाया, डाउन के लिए ही क्यों लगाया, उसके लिए पहले आप इसको प्रोसेस समझ लीजिए, फिर इस बार इस टॉपिक पर आपको बताऊँगा। प्रोसेस ये है कि जब भी आपको अप करना है, ये तो आप VDI को समझ के लास्ट वीडियो आपने देखे होगी, तो नहीं देखे होगी तो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करूँगा। ये VDI का कनेक्शन क्यों और कैसे होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
BDI सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि इसमें ये आपको बैटरी का जो स्टेटस है, चार्जिंग स्टेटस है, वो आपको बताता है। ये समझिए, ये वाला BDI मैं दिखाता हूँ, ये BDI है, ये जो ऊपर का जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला, इसमें आपको बैटरी का चार्जिंग स्टेटस दिखाएगा कि कितना बैटरी चार्ज है। जितना चार्ज रहेगा उतना लास्ट तक भरा रहेगा लाइट, और जितना डिस्चार्ज रहेगा उतना धीरे 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 कम होता जाएगा। और पहले ग्रीन रहता, फिर येलो रहता, फिर रेड रहता, तो समझिए रेड में आ गया तो डिस्चार्ज हो गया बैटरी, तो एक पॉइंट के आसपास रहेगा। दूसरा इसमें एक और है, ये HMR मीटर दिखा था, नीचे जो डिस्प्ले दिख रहे हैं इसमें, ये डिजिटल डिस्प्ले है, नीचे वाला डिजिटल नहीं समझिए मोनोक्रोम है। तो इसमें आपको HMR दिखाता कितना घंटा तक ये BDI चालू रहा, BDI चालू रहा मतलब कि गाड़ी चालू रहा है, तो आपको HMR दिखाता, हावर मीटर रीडिंग, HMR का फुल फॉर्म होता है, तो वो आपको इसमें दिखाया कितने घंटे तक गाड़ी चालू रही है, वो इसमें रीडिंग नोट होता जाता है। तीसरा इसका फंक्शन है जो ऊपर नहीं दिख रहा है, इंटरनली रहता है, वो क्या है कि यदि बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई, 20% के नीचे आ गई, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर में पावर जाने ही नहीं देगा। ये जो -3 नंबर से ले रहे हैं ना, ये इसमें पावर काट देगा ये BDI यदि 20% से नीचे आ गया तो, ठीक है। तो ये जब इसमें पावर जाने नहीं देगा तो डीप डिस्चार्ज होने से बैटरी बच जाएगा। और आपको मालूम है कि बैटरी ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू अदर थिंग उस गाड़ी में, और बैटरी यदि बार बार चेंज करना पड़े तो बहुत खर्चे वाला काम है, तो इसको उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आपको ये BDI लगा दिया गया है, ताकि ज़्यादा डिस्चार्ज होने से बचा जा सके बैटरी को, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, यदि यहाँ से पावर हमने किसी चालू किया, BDI में पावर चालू हो गया, BDI से 3 नंबर में पावर देना चालू कर दिया, ये 3 नंबर में आउटपुट, यदि बैटरी चार्ज है तो 3 नंबर में आउटपुट देना चालू कर देगा, ये हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर में पावर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लेकिन प्लस नहीं आएगा। प्लस आने के लिए क्या करना है, ये जो प्लस है ये BDI के थ्रू अप और डाउन वाले स्विच में है। यदि हमको अप करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये अप वाले पुश बटन को दबाएंगे, जो टिलर हैंडल में लगा रहता है उसको दबाएंगे, तो क्या होगा, ये प्लस पावर जो है हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर के क्वाइल में आ जाएगा, और ये क्वाइल में एनर्जाइज होने के कारण ये दोनों कॉन्टैक्ट जो है, आपको ये दोनों कॉन्टैक्ट है जो आपने पावर वायरिंग के लिए कॉन्टैक्ट किए हैं, कॉन्टैक्ट लगाए हैं, ये दोनों कनेक्टेड हो जाएगा और ये मोटर चालू हो जाएगा। ये मोटर चालू होने के बाद ये कंट्रोल वाल्व में हाइड्रोलिक क्वाइल को सप्लाई करेगा, और सीधा कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, आपको सीधा मास्ट में दे देगा, मास्ट के सिलेंडर में दे देगा वायर, और वो ऊपर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो उसमें आपको NRV लगा रहता है, नॉन रिटर्न वाल्व क्या करता है, आपको रिटर्न वायर आने नहीं देता है, समझ गए, रिटर्न वायर आने नहीं देगा तो डाउन होगा नहीं। यदि और नॉन रिटर्न वाल्व क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व ये वाले कॉइल से कनेक्टेड होता है, ये वाला कॉइल एनर्जाइज होगा तो नॉन रिटर्न वाल्व को पीछे की ओर खींचेगा, और उसके बाद हाइड्रोलिक कॉइल रिटर्न टैंक में जा सकता है। यदि ये कॉइल एनर्जाइज नहीं हुआ है तब तक नॉन रिटर्न वाल्व एक बूंद भी वाल्व रिटर्न आने नहीं देगा, तो आपको डाउन करते समय आपको डाउन का पुश बटन दबाना है, माइनस तो ऑलरेडी इस कॉइल में गया हुआ, डाउन का पुश बटन दबाना, और ये वाला जो है कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा और नॉन रिटर्न वाल्व को खींच लेगा उसका स्पूल को, और उसके बाद फिर वाइल्ड नॉन रिटर्न वाल्व के थ्रू रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। NRV एक टर्म आपको सिखा रहा हूँ, शायद आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो ठीक है, जानते तो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। NRV नाम का एक वस्तु लगा रहता है, इसका नाम है नॉन रिटर्न वाल्व। इसी का काम है कि आपको जब स्टेकर या कोई भी मास्ट ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आने देगा, इसका नाम है नॉन रिटर्न वाल्व। एक और वाल्व होता है फ्लो कंट्रोल वाल्व, उसको आप जब मास्ट का बात करेंगे ना, मास्ट में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो आपको बताएंगे उसमें वो चीज़ ज़्यादा, फ्लो कंट्रोल वाल्व। यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व में यही होता है। नॉन रिटर्न वाल्व दो तरह का होता है, एक ऐसा भी हो सकता है कि वो फिक्स रहेगा, आगे वाइल गया तो पीछे आने ही नहीं देगा, हालांकि उसकी इसमें जरूरत नहीं, अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से इसमें जरूरत नहीं है। एक ऐसा भी होता है जिसमें हम उसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं नॉन रिटर्न वाल्व में, तो उसमें क्या होता है, सपोज मानिए कि ये वाला चीज़ यहाँ पे वायल है, यदि ये वाला चीज़ यहाँ वायल भरा हुआ है और यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, ये कॉइल एनर्जाइज इसको पीछे खींचेगा, वायल यहाँ से रिटर्न टैंक में चला जाएगा, ठीक है, टैंक में चला जाएगा। यदि ये वाला यहाँ पे चिपका हुआ है तो वायल कितना भी यहाँ पे भर दिए, इसको वायल इधर आने ही नहीं देगा, ये होता है नॉन रिटर्न वाल्व, समझ गए, ये ऐसा ही काम करता है। तो नॉन रिटर्न वाल्व आपको यहाँ पे इसके हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर में, हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व में एक ही सोलेनोइड लगा रहता है, वहाँ पे रहता है, समझ गए नॉन रिटर्न वाल्व का काम। डिटेल में समझा दूंगा एक दिन, नॉन रिटर्न वाल्व NRV ये सब का इसमें मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है। अब एक और चीज आपको समझाता हूँ, ये बैटरी का पावर वायरिंग आपको मैंने डिटेल में समझाया नहीं है, इसलिए बता देता हूँ। बैटरी का पावर वायरिंग में कुछ नहीं है, पावर वायरिंग का माइनस पॉइंट जो है वो सीधा चला जाएगा आपको हाइड्रोलिक मोटर में, सीधा हाइड्रोलिक मोटर में चला जाएगा। और माइनस जो है, ये माइनस जो यहाँ से आया, माइनस जो सीधा हाइड्रोलिक मोटर में चलेगा, प्लस जो चलेगा 250 एम्पीयर या फिर आपको 160 एम्पीयर, डिपेंड करता है मोटर की रेटिंग क्या है उसके हिसाब से। तो वो एक हैवी फ्यूज, मतलब 250 एम्पीयर या 60 एम्पीयर का फ्यूज लगा के आपको कॉन्टैक्टर में जाएगा, हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर में। ध्यान रखिएगा, मेन कॉन्टैक्टर में नहीं, गाड़ियों में दो तरह का कॉन्टैक्टर लगा होता है जनरली, उसमें मेन कॉन्टैक्टर में नहीं जाएगा, हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर में जाएगा। और हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर के दूसरे पॉइंट से आपको उठ के सीधा हाइड्रोलिक मोटर में चला जाएगा। बस यही है पावर वायरिंग, तो बहुत सिंपल होता है, मेन होता है कम्युनिकेशन वायरिंग समझना। दोस्तों समझ गए इस चीज को, यदि समझ गए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आगे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।